खबर आपको दें, जौहर टाउन के इलाके नूर मार्केट में सैनिटरी की दुकान में आग लग गई है। आग ने पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया है और ऐसे में रेस्क्यू 112 की चार गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। बात कर लेते हैं, सरफराज खान हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज, किस दर्जे की ये आग है और कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? कोई जानी नुकसान सामने नहीं आया। रेस्क्यू 112 की जानिब से चार गाड़ियों पर मुश्तमिल ये ग्रुप है जो आग बुझाने में मसरूफ है। रेस्क्यू 112 की जानिब से जो है वो आग तो बुझाई जा रही है। जब इनके साथ हमारी बात हुई तो इनका कहना है कि आग जो है अभी तक तो हाई दर्जे की दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। जो मालिक हैं दुकान के वो भी इधर मौजूद नहीं है। आग बुझाने के बाद ही पता चल पाएगा कि इसके अंदर कौन थे, कितने लोग थे। और मैं आपको ये बताता चलूं, ये मार्केट है, जोहर टाउन का इलाका है, नून मार्केट है। इसके पीछे एक पूरी मार्केट है, सैनिटरी वर्कर्स की ये शॉप है और उसके साथ ही ये मोबाइल की शॉप है जहाँ पे आग बढ़ गई है। और रेस्क्यू 112 की जानिब से दूसरी जानिब सीढ़ी लगाकर और दूसरी छतों पर चढ़कर भी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा अभी तक जो है वो आग पर काबू नहीं पाया गया। जी अच्छा सरफराज, ये बताइएगा कि रेस्क्यू के कितने अहलकार इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो आग बुझाने में मसरूफ हैं? जी, रेस्क्यू 112 की जो है वो चार टीमें इस वक्त जाए वक्त पे मौजूद हैं। चारों टीमों की जानिब से मुख्तलिफ जो है वो व्यूज पर गाड़ियों को खड़ा किया गया है और दूसरी छतों पर चढ़कर जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती है। ये चारों गाड़ियां जो है वो रेस्क्यू की और इसमें जो अमले की तादाद है 12 से 13 लोग हैं जो आग बुझाने में मसरूफ अमल हैं। और दूसरी जानिब बताया ये जा रहा है कि आग जो है इस वक्त तो हाई दर्जे की बताई जा रही है, जबकि जो मालिक है दुकान का वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। अभी जो नुकसान का अंदाजा नहीं है और ये भी नहीं मालूम हो पा रहा कि अंदर जो है वो कौन था, क्योंकि ये सारी मार्केट है और इसके पीछे जो है वो सैनिटरी वर्कर्स के जो है वो गोदाम है और इस गोदाम में आग भड़क चुकी है और रेस्क्यू 112 की जानिब से आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी तो क्या सरफराज, आपकी बात हो पाई अहलकारों से? क्या कहना है उनका कि कब तक इस आग पर काबू पा लिया जाएगा? जी, रेस्क्यू के साथ बिल्कुल हमारी बात हुई है, उनके तर्जमान के साथ जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि मजीद दो गाड़ियों को भेजा जा रहा है इस जानिब, क्योंकि आग जो है वो हाई दर्जे की बताई जा रही है और एक दुकान पे आग लगी और साथ दूसरी को भी अपनी लपेट में ले लिया है। जबकि मैं आपको ये बताता चलूं कि मार्केट, ये पूरी मार्केट है और इसके साथ टिम्बर्स मार्केट भी शुरू हो जाती है, ये बहुत बड़ी मार्केट है। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि आग को ज्यादा फैल ना जाए, इसी वजह से रेस्क्यू की जानिब से ये बताया जा रहा है कि दो मजीद गाड़ियों को बुला लिया गया है। 12 से 13 अहलकार हैं जो आग बुझाने में मसरूफ अमल हैं और दूसरी छतों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है आग बुझाने के लिए। ठीक है, शुक्रिया आपका सरफराज।